हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो आज से इस लेक्चर से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम नीट पीएमटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि 1988 में आया था। क्वेश्चन है, कोणीय आघूर्ण का विमीय सूत्र है। कोणीय आघूर्ण का विमीय सूत्र है। हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है M0 L2 T-2, दूसरा ऑप्शन है M1 L2 T-1, तीसरा ऑप्शन है M1 L1 T-1 और चौथा ऑप्शन है M1 L2 T-2। ठीक है, हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा है। देखो क्या करेंगे, कोणीय आघूर्ण जो होता है ना, कोणीय आघूर्ण जो होता है, इसे बोला जाता है कोणीय संवेग। क्या बोला जाता है? कोणीय संवेग। ठीक है, अच्छा, कोणीय संवेग नाम सुनते ही अब आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, कोणीय संवेग को जे से दर्शा दो या एल से दर्शा दो, ये होता है पी आर साइन थीटा। हम जानते हैं, चूंकि साइन थीटा तो विमाहीन होता है, साइन थीटा क्या होता है? विमाहीन होता है। अच्छा, पी क्या है? पी है संवेग। क्या है? संवेग। और आर क्या है? आर है घूर्णन अक्ष से दूरी। घूर्णन अक्ष से दूरी। ठीक है, अच्छा, यदि मैं बात करूं कोणीय आघूर्ण को, तो कोणीय आघूर्ण को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कोणीय आघूर्ण इसे लिखा जा सकता है क्या? संवेग इंटू दूरी। अच्छा, संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ से इसका विमीय सूत्र जो रहेगा, ये रहेगा M1 L1 T-1। और दूरी का विमीय सूत्र तो आप जानते हो, दूरी का विमीय सूत्र क्या रहेगा? M0 L1 T0। तो यहाँ से जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो M1 L2 T-1। ठीक है, तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकंड वाला M1 L2 T-1। तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, M1 L2 T-1। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, यदि धारिता कैपिटल सी व प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो सी आर का विमीय सूत्र होगा। ये क्वेश्चन आया था 1988 में। ठीक है, अच्छा, इसके चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे धारिता। तो धारिता का विमीय सूत्र अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? हाँ, इस क्वेश्चन के मैं आपको दो सॉल्यूशन बताऊंगा, एक तो सिस्टमेटिक और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले धारिता क्या होती है? सी बराबर होता है क्यू बटे वी। धारिता बराबर सी बराबर क्यू बटे वी। लेकिन हम जानते हैं वी बराबर होता है W बटे Q। तो यहाँ क्या ऐसा लिख सकता हूँ? Q बटे W बटे Q। हाँ, अब इसे ऐसा लिखा जा सकता है Q² बटे W, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो C बराबर क्या होगा, बोलो फटाफट, C बराबर क्या होगा? A2 T2। आवेश का विमीय सूत्र A2 T2 बटे कार्य का विमीय सूत्र क्या है? M1 L2 T-2। इसे सॉल्व करो, ये क्या आएगा? M-1 L-2 T+2 और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 कितना हो जाएगा? 4 और A2। ये धारिता का विमीय सूत्र आ गया। अब मुझे प्रतिरोध का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ V बराबर I R। तो यहाँ से R बराबर क्या होगा V बटे I। लेकिन V बराबर तो अभी हमने लिखा W बटे Q, तो क्या लिख दोगे? W बटे Q I। कार्य का विमीय सूत्र M1 L2 T-2 बटे आवेश का A1 T1, सही है ना। अगला, धारा मूल भौतिक राशि, इसका विमीय सूत्र क्या रहेगा? A1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? M1 L2 T-3 A-2, सही है ना। ठीक, अब हमें सी आर का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। सी आर मतलब C इंटू आर, बोलो फटाफट। धारिता का विमीय सूत्र क्या है?
एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए माइनस सॉरी ए टू। इसी तरह इसका विमेय सूत्र बोलो एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो m माइनस वन और प्लस वन एम जीरो एल जीरो टी चार में से तीन गया कितना एक और a जीरो। ठीक है, बताओ ये विमेय सूत्र किसका है, बोलो ये विमेय सूत्र किसका है, समय का। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m जीरो एल जीरो टी वन, एम जीरो एल जीरो टी वन। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो पहला तरीका था, अब इसका दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। आइए देखो इसे दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम जानते हैं एक्स सी बराबर होता है एक बटे ओमेगा सी, एक्स सी बराबर होता है एक बटे ओमेगा सी। तो यहाँ से एक बात आप ध्यान रखोगे कि इसका एक्स सी का जो विमीय सूत्र होता है, एक्स सी का विमीय सूत्र बराबर होता है प्रतिरोध का विमीय सूत्र, R का विमीय सूत्र। ठीक है, ऐसा समझ लो कि जो काम प्रतिरोध का होता है सेम वही काम किसका होता है, एक्स सी का होता है। इसे प्रतिरोध बोलते हैं और इसे धारितीय प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से बोलो एक्स सी इंटू सी, सही है ना, क्योंकि दोनों का विमीय सूत्र बराबर है। तो एक्स सी इंटू सी का विमीय सूत्र निकालूं या आर सी का विमीय सूत्र निकालूं, बात बराबर है। तो यहां से एक बटे ओमेगा, यहां से एक बात और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है टू पाई बटे टी, टू पाई बटे टी। तो यहां क्या आएगा टू पाई बटे टी, इसे लिखा जा सकता है एक बटे टू पाई इंटू टी, जहां टी आवर्तकाल है। टी क्या है, आवर्तकाल। यदि आप ध्यान दो तो ये तो विमाहीन है, ये क्या है विमाहीन है, तो यहाँ केवल समय का विमेय सूत्र आ जाएगा। तो एक्स सी इंटू सी का विमेय सूत्र का विमीय सूत्र जो रहेगा ये क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी वन, और यही हमारा आंसर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन। इसमें हमसे कहा गया है आघूर्ण का विमीय सूत्र है, ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया था 1989 में। ठीक है, अच्छा इसे यदि सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आघूर्ण होता क्या है। ठीक है, तो आघूर्ण है ना बलाघूर्ण को ही बोलते हैं, बलाघूर्ण जो होता है इस बलाघूर्ण को ही क्या बोला जाता है आघूर्ण, सही है। और इसका फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। अच्छा ये साइन थीटा तो विमाहीन है, ये क्या है बल, आर क्या है घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ आघूर्ण बराबर बल इंटू दूरी। ठीक है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है m1 l1 t माइनस टू इंटू, इसका विमीय सूत्र होता है m0 l1 t0। इसे यदि हम सॉल्व करें तो m1 l2 t माइनस टू, m1 l2 t माइनस टू। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए m1 l2 t माइनस टू, ये ऑप्शन सही है। अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि बल इंटू दूरी ऐसे ही सेम फॉर्मूला होता है किसका, कार्य का बल इंटू विस्थापन। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कार्य का विमीय सूत्र और बलाघूर्ण का विमीय सूत्र आपस में बराबर होता है। कार्य का विमीय सूत्र बराबर होता है बलाघूर्ण का विमीय सूत्र। ये बात आप ध्यान रखना है ना, अगर आपको ये पता है कि कार्य का विमीय सूत्र और बलाघूर्ण का विमीय सूत्र आपस में बराबर होता है तो हम डायरेक्ट भी ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आया था 1989 में।
क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होगा, ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा करते हैं इसे सॉल्व। देखो देखो क्या रहेगी इसकी कहानी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर होता है माइनस एल डी आई बटे डीटी। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना। जहां एल क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक। एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। क्या अब हम विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, एल बराबर, बोलो एल बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन, बोलो एप्सिलॉन डी टी बटे डी आई, डी टी बटे डी आई। अगर आपको याद हो तो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ये एक तरह का विभवांतर ही है, तो इसे हम लिख सकते हैं W बटे क्यू, W बटे क्यू इंटू डी टी बटे डी आई। तो क्या वापस इसका विमीय सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, W का विमीय सूत्र? बोलो M1 L2 T माइनस टू, ये लिखा हुआ है M1 L2 T माइनस टू। बोला ना मैंने कि कार्य का विमीय सूत्र और बलागुण का विमीय सूत्र आपस में बराबर होता है, बटे आवेश का विमीय सूत्र, बोलो A1 T1 इंटू समय का विमीय सूत्र T1। समय का विमीय सूत्र क्या होता है, T1 बटे इसका विमीय सूत्र धारा, मूल भौतिक राशि है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है A1। यहाँ से T1 से T1 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, तो इसका विमीय सूत्र क्या आएगा, L स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र आएगा M1 L2 T-2 M1 L2 T-2 A-2 A-2। चेक करो ये विमीय सूत्र है क्या, M1 L2 T-2 A-2, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक।